गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। देखो, हम पढ़ चुके थे क्लॉक के बारे में बेसिक नॉलेज, और जो 2 दिन हमने पढ़ा उसके बाद में देखो हम आगे न्यू टाइप की पर बात करते हैं। क्लॉक पर देखो, जब कोण का मान दिया हुआ हो और समय ज्ञात करना हो, क्या बोला? जब कोण का मान दिया हुआ हो और समय ज्ञात करना हो, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ किस समय 70 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है? तो देखो, 2 बार एंगल बनाएगी। देखो, हमने देखा था कि 90 डिग्री का एंगल भी कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है 1 घंटे में। तो यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल भी कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा, ठीक है? तो जब देखो, जब मिनट वाली सुई हावर वाली सुई से पीछे हो तो कोण हमेशा क्या होगा? नेगेटिव बनता है। ये बात फैक्ट है इसमें। देखो, जब मिनट वाली सुई आगे निकल जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लॉक बना रखा है, देखो 5 पर हैं हावर वाली सुई, और जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पर है? 2 और 3 के बीच, मतलब हावर वाली सुई से मिनट वाली सुई पीछे, ठीक है? तो जब मिनट वाली सुई पीछे हो हावर वाली सुई से, तो हम एंगल का जो मान लेंगे वो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था और उसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली? -70 डिग्री। और टाइम जो दे रखा है हावर, वो 5 और 6, और मिनट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है? देखो, थीटा की वैल्यू मैंने लगाई, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो देखो, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पे हमारे पास -70 डिग्री, और जो हावर का टाइम दे रखा है वो 5 और 6 से बीच। तो देखो, हमने फॉर्मूला लगाया 11/2 मिनट इंटू 11/2 मिनट -30 इंटू हावर। तो थीटा की जो वैल्यू है वो -70 इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू हावर। हावर की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है? अब देखो, 11/2 मिनट और यहाँ पर 50, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 को 5 से, तो 150 और -70, तो यहाँ पर मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160/11। जब हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल जाएगी? 14/6/11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर हमने टाइम निकाला था कि 5 से 6 के बीच में कितनी बजे 70 डिग्री बनेगा, तो 5:14, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो हम बात करते हैं अब आगे। देखो, जब मिनट वाली सुई हावर वाली सुई से क्या हो? आगे हो, तो कोण हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव बनता है। जब भी हावर वाली से सुई से अगर मिनट वाली सुई आगे हो जाती है, तो हमेशा एंगल किस में होता है? पॉजिटिव बनता है। देखो, यहाँ पर डायग्राम से हम समझ सकते हैं, 5 और 6 के बीच में हावर वाली सुई है, और 8 और 9 के बीच में क्या है? मिनट वाली सुई है। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, +70। हावर का जो टाइम दे रखा है वो 5 से 6 के बीच दे रखा है, और जो मिनट हमें मिनट की तो फाइंड आउट करना है हमें वैल्यू। तो देखो, हमारे पास फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू हावर। देखो, 70 हमने यहाँ पे लिखा, और 11/2 इंटू मल्टीप्लाई मिनट -30 इंटू 5। तो देखो, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 150। तो 150 और यहाँ पर 70, तो ये दोनों ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी निकल के? 220। और 220 को 11 से हम डिवाइड कर देंगे तो 20, और 20 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी वैल्यू? हमारे पास 40 आ जाएगी, ठीक है? तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा? 5:40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 7 तथा 8 के बीच दोनों सुइयाँ किस समय 45 डिग्री का एंगल बनाएगी या कोण बनाती है? तो देखो, 2 बार बनाती है, और एंगल हम 2 बार फाइंड आउट करते हैं, एक तो 45 डिग्री प्लस पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है? तो देखो, अभी हम जैसे हमने देखा था यहाँ पर हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, तो देखो हम पॉजिटिव वैल्यू लेती हैं, तो देखो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रखने से 11/2 मिनट -30 इंटू हावर, फॉर्मूला तो वही होता है हमारे पास। अब देखो, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी? 45। उसके बाद 11/2 मिनट -30 इंटू 7, तो 11/2 मिनट, और ये 30 मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 210, और दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 255। अब देखो, 255 में हमने
11 मिनट, और मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 255 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 510। ठीक है, तो 510 के में हमने भाग लगाया किसका, 11 का। तो देखो तो कितना मिनट निकल के आया, 46 मिनट, सही, 4/11 मिनट। तो हमारे पास जो आंसर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 7:46, 46 से 4/11 मिनट। अब देखो पॉजिटिव में हमने बात कर ली, अब देखो अगर एंगल का मान हमारे पास नेगेटिव है, तो देखो एंगल का मान नेगेटिव लेने पर थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू माइनस का 45 इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट, माइनस 30 इंटू आवर की वैल्यू कितनी है, 7, तो हम 11/2 मिनट और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस के 45, और जब ये 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, 210, तो ये 210 कहाँ पर चला जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस में, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, देखो 11/2 मिनट इक्वल टू 165, और जब 11 को 165 से डिवाइड किया तो 15 बार, 15 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास कितने आ गए, 30 मिनट, मतलब मिनट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 30 मिनट। तो देखो 7:30 हो जाएगा। चलो बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो टाइप नेक्स्ट, अब देखो जब भी हमें 1 और 2 के बीच, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 5 मिनट पीछे होगी, अब जब हम बात कर रहे हैं मिनट की सुई के आगे या पीछे होने की, इस पर वैसे क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो जब मान लो कि जब 1 और 2 के बीच कब मिनट की सुई मतलब 5 मिनट पीछे है मिनट वाली सुई, हावर वाली सुई से, तो वो कौन सा टाइम होगा जब वो 5 मिनट पीछे होगी, या फिर 4 और 5, जब 4 और 5 का टाइम हो रहा है तो मिनट वाली सुई 10 मिनट पीछे है या 15 मिनट पीछे है उससे, या फिर आगे हैं, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो देखते हैं हम। विदाउट डाउट हम जानते हैं कि 5 मिनट पीछे हैं, ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखो जब 1 और 2 के बीच में 5 मिनट पीछे होगी, तो जब 1 मिनट, जब 1 बज रहे होंगे घड़ी में, तो 12 पे होगी मिनट वाली सुई, और हावर वाली कहाँ पे होगी, 1 पे होगी, ठीक है। तो एक जो 5 मिनट हमें से डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं हम कि 5 मिनट अगर पीछे होगी तो फिक्स टाइम हो रहा होगा 1 बजे हुआ, ठीक है। देखो अभी हम इसे देखते हैं बेसिक से, तो देखो 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, मिनट वाली सुई कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। तो देखो 5 मिनट की बात हो रही है, 5 मिनट पीछे तो कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है कि क्रॉस नहीं किया उसको, मतलब मिनट वाली सुई पीछे ही है तो हावर वाली सुई को क्रॉस नहीं किया, तो हम क्रॉस नहीं किया तो हम थीटा की जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो देखो हमने थीटा की वैल्यू कितनी ली यहाँ पे, नेगेटिव लेने पर, तो नेगेटिव 30 डिग्री, ठीक है। वो हमने फॉर्मूला लगाया और जो टाइम था हावर उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, 1, तो 11/2 मिनट इंटू 30 माइनस 30, जब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस के 30 हो जाएगा। अब जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो 0 मिनट, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 0 मिनट, मतलब कि जब 1 बजे होगा और जब 5 मिनट पीछे होगी की सुई, तो देखो 12 से 1 के बीच में 5 मिनट है तो पीछे है, तो फिक्स टाइम क्या हो जाएगा, 1 बज जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके, आगे बात करते हैं हम। देखो 0 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल। अब देखो ये तीनों जो एंगल है वो हम देख चुके थे और हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था इसके लिए, उसी फॉर्मूले से हम आगे भी देखो करते हैं इसको। अब देखो कोई मान लो कि इस टाइम पे क्या दे रखा हो, 1 और 2 के बीच, मतलब जो टाइम दे रखा हो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा या किस मिनट में बनेगा, किस टाइम पे बनेगा, मतलब पूरा फिक्स टाइम क्या होगा, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखो सॉल्यूशन देखते हैं, 1 और 2 के बीच 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, मतलब जो फिक्स टाइम होगा राइट टाइम वो कितना होगा। तो देखो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। अब देखो तो थीटा की जो वैल्यू है पहले फर्स्ट वाले के लिए वो 0 है, यहाँ पे हमने लिख दी 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू बजे का मान कितना था हमारे पास, 1, तो 11/2 मिनट इंटू इसको सोल्व करेंगे तो हम 30 आ जाएगा। मिनट को 2, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 60/11, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 5 से 5/11। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो 1/5 से 5/11 पे, मतलब जो 0 डिग्री का एंगल होगा वो कब होगा, 1 बजकर जब 5 से 5/11 मिनट होंगे तब होगा, ठीक है।
अब देखो हम देखते हैं कि 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल भी जब मिनट वाली सुई कब हो, जब पीछे हो, ठीक है। तो देखो 11/2 मिनट माइनस 30 × 1। अब देखो 11/2 मिनट और 90 + 30 कितना हो गया, 120। 120 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी निकल के 240, ठीक है। 240 में डिवाइड कर देंगे हम 11 का, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 21/9। तो यहाँ पर जो टाइम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1:21, 21/9/11। चलो आगे देखते हैं थर्ड वाले के लिए। देखो 180 हो जब एंगल का मान, 11/2 मिनट माइनस 30 × 1। अब 1 से 2 के बीच 180 का बनेगा, ऐसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो तो 11/2 मिनट इक्वल टू 30 और प्लस 180, इसकी वैल्यू हो जाएगी 210। नीचे लिखा हुआ है देखो 210 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 420। 420 में हम 11 का भाग देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 38/2/11। मतलब 1:38/2/11 मिनट पे क्या बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। चलो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घड़ी 1 बजे, देखो ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आया हुआ है एज इट इज़, सेम टू सेम। और जब भी पेपर टफ बनाना हो या फिर कुछ अलग से देना हो तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वैसे आया हुआ है ये क्वेश्चन पेपर में। तो देखो समझते हैं, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय होता है, मतलब 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, जितना समय होता है घड़ी भी उतनी बार बजती है। 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, पूछा हुआ ओनली किसके लिए, 6 घंटे के लिए पूछा हुआ है। तो देखो हम यहाँ बात करते हैं, देखो 1 घंटे में अगर 1 बार बज रही है, ठीक है, तो देखो पहले हम इसको बेसिक से समझते हैं। 1 घंटे में 1 बार बज रही है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार और 6 घंटे में 6 बार। तो ये तो वैल्यू हमारे पास क्या, शॉर्ट वैल्यू थी, मतलब छोटी वैल्यू थी, तो हम आराम से इसको जोड़ के कर सकते थे। तो हमारा आंसर यहाँ से तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पर बेसिस हम फॉर्मूला भी, जैसे मान लो कि 12 बार दे दिया या फिर 24 बार दे दिया कि मतलब 24 बार बजती हैं, तो ऐसे कैसे निकालेंगे फिर, क्योंकि 6 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया आसानी से। तो देखो आगे हम फॉर्मूला पढ़ते हैं इसके लिए। देखो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन पदों की जो संख्या ज्ञात करने के लिए, एन एन प्लस वन अपॉन टू। तो देखो एन की वैल्यू यहाँ पर है कितनी बार, 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 है। तो देखो यहाँ पर हमने एन की वैल्यू 6 पुट की, 6 6+1/2, तो देखो 6 × 7/2, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, इक्वल टू 21। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखो दोनों तरह से आंसर मैच कर रहा है, मतलब हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। इसी पे बेसिस एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अब देखो कि पहले कितना टाइम दे रखा था, ओनली कहाँ तक दे रखा था, 6 तक दे रखा था। अब देखो यहाँ पर कितना तक दे रखा है, 12 बार के लिए हो, तो मतलब घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, ऐसे 12 बजे तक 12 बार बजे, तो जो होगा जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने घड़ी कितनी बार बजेगी ऐसे देखा था, तो देखो यहाँ पर भी घड़ी कितनी बार बजेगी, मतलब 12 बजे के लिए जो टाइम होगा तो घड़ी कितनी बार बजेगी। तो देखो एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 12 है। तो देखो एन एन प्लस वन हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी ये वाला, तो देखो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो वैल्यू हमने पुट करी तो एन का मान कितना, 12, 12 + 1 कितना हो गया, 13/2। तो 2 से 12 को काट दिया यहाँ पे 6 बार, और देखो 6 को मल्टीप्लाई किया 13 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 78 आ जाएगा निकल, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इससे पे बेसिस क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखो अगर 15 घंटे के लिए हो, तो अब हमने देखो 12 घंटे तक के लिए तो हमें पता था। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान करने की है, मतलब याद रखने की है, देखो कि जो एन का जो वैल्यू है वो हम मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, ओनली 12 ले सकते हैं। अब जब भी अगर एग्जामिनर को आंसर मतलब थोड़ा टफ बनाना होगा पेपर, तो वो ऐसे दे देगा कि 15 घंटे के लिए निकालना हो। अब आपको सबको पता है कि हम क्या कर रहे थे पहले, हम ऐसे कर रहे थे कि 15 की वैल्यू यहाँ पे रखी और 15 × 16/2, 16/2 कुछ ऐसे कर रहे थे,
जबकि 16 को 8 से काटने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर कितना देता 120, जबकि ये हमारा क्या है गलत आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। देखो हम n की वैल्यू ओनली क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम 12 ले सकते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो देखो 15 घंटे के लिए निकाली तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल के आएगी, तो n1 के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमने क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम 12 ले सकते हैं, और n2 की वैल्यू जो 12 में से अब क्या बची, 15 माइनस 12, तो 3, तो 3 के लिए निकाल ली। ठीक है, देखो अब आगे हम देखते हैं इसको। तो हमने 12 के लिए जो n की वैल्यू 12 है तो उसके लिए हम निकाल लेंगे 12 × 13/2, ये हमने निकाली, यहाँ से कितना आया 78। अब देखो n2 की वैल्यू कितनी है, 3, अब ये दोनों क्या आएगी, ऐड होएगी। देखो 3 × 4/2, तो यहाँ से कितनी निकल गए, 6 निकल गए। दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी पे बेसिस एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो एक घड़ी एक बजे दो बार, दो बजे चार बार। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। एक घड़ी एक बजे दो बार बजा रही है, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 6 बार, इसी प्रकार जितने बजते, मतलब 12 बजेगी तो 12 24 बार बजाएगी। ठीक है, मतलब दुगना हो रहा है, वह उससे दुगनी बार बजती है, तो वह एक दिन में कुल कितनी बार बजे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, एक दिन के लिए पूछा है, मतलब कि 24 घंटों के लिए पूछ रहा है, ये बात हमें पता चल गई कि 24 आवर्स के लिए पूछा है उसने। तो देखो 24 आवर्स के लिए पूछा है, तो हम 24 आवर्स को 12 और 12 दो में तोड़ सकते हैं। देखो क्योंकि हमें मैक्सिमम मान हम 12 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो उसके बाद हमने 12 के लिए निकाला, तो यहाँ से कितना निकल गया हमारा, 12 × 13/2, 12 × 13/2, तो 78 78, कितना हो गया ये, 156 निकल गया यहाँ से हमारी वैल्यू। अब वो बोल रहा है कि एक घंटे में एक बार, मतलब दुगना हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 312। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो टाइप नेक्स्ट। अब देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो जो घड़ी की जो सुइयाँ हैं आपस में इंटरचेंज कर लेती है, मतलब कि जहाँ पे हम गए थे, मान लो कि कोई लड़का स्कूल जा रहा है, वापस वो स्कूल से आ रहा है, तो घड़ियों की जो स्थिति थी उसने सुबह देखा तो भी जब भी वही स्थिति थी, और जब वो वापस आया तब भी उसको सेम वैसी स्थिति दिखी। मतलब क्या हुआ कि जो हावर वाली जो सुई थी और जो मिनट वाली जो सुई थी उसने अपनी स्थितियाँ आपस में इंटरचेंज कर ली। तो देखो अब इस टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं। राम सुबह 9 व 10 बजे के बीच स्कूल जाता है तथा 4 व 5 बजे के बीच स्कूल से वापस आता है, तो आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लिया है। तो राम किस समय स्कूल गया था, तो देखो यहाँ पर 9 व 10 के बीच स्कूल जाता है, मतलब 9 व 10 के बीच में होगा घंटे वाली सुई, यहाँ पर हमने बना दी है देखो, और वो वापस, वो क्या बोल रहा है, 4 व 5 बजे के बीच स्कूल से वापस आता है, तो एक सुई कहाँ से होगी, 4 से 5 के बीच होगी। ठीक है, देखो तो जाने का जो टाइम है उसका कितना है, हमने यहाँ पे डिनोट किया जाने का टाइम, देखो उसका जाने का टाइम है उसका 9 से 10 बजे के बीच का, और आने का जो टाइम है वो क्या है, 4 से 5 के बीच। मतलब देखो कि 9:20 से 25 मिनट के बीच में वो गया होगा, और जब वो वापस आया होगा तो 4 से 40 या 45 मिनट के बीच में वापस आया होगा, मतलब नहीं, 45 से 50 मिनट के बीच में वापस आया होगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ करते हैं। देखो हमारे पास इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, या फिर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो बजकर मतलब जो जाएगा वो टाइम तो हमें पता चलेगा। तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो राम किस समय स्कूल गया था, अब हमें क्या पूछा है, जाने का टाइम पूछा है, तो देखो जाने का टाइम मतलब 9 बजे तो गया ही होगा वो। ठीक है, बस हमें पता करना है कि 20 से और 25 मिनट के बीच में किस टाइम पे था वो, बस ये हमें पता करना है। तो देखो बजकर जो टाइम था वो तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ ही जाएगा, यहाँ से हमने क्या लिखा, बजकर जो टाइम था हमारे पास वो हमने लिखा, देखो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, बजकर रेसो 16/13 × टाइम। तो देखो हम बात करते हैं यहाँ पर जाने के समय, तो जाने का समय हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 तो आ ही जाएगा, जाने का समय हमारे पास 9 आ गया। उसके बाद देखो 60/13 हमारे फॉर्मूले से लिया, और जो जो जाने का समय था उसके
क्रॉस में जो समय होगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस में समय क्या है, 5 है, मतलब जो आने का जो बाद का समय है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू कर देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 16 को 5 से, तो 300 अपॉन 13। अब 13 का हमने डिवाइड किया 300 में, तो कितना निकल गया हमारे पास, 23 से 1/3। तो जो वो जा रहा होगा तो उसका टाइम क्या होगा, 9:23 से 1/13 मिनट, ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, देखो आगे बात करते। देखो अब पूछा हुआ है, अब हमने क्वेश्चन नहीं लिख के डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखो जाने का जो टाइम है वो क्या है, 11 से 12 के बीच, ठीक है। और जो आने का जो टाइम है वो कितना है उसका, 2 से 3 के बीच, तो 2 से 3 के बीच। अब वो पूछ क्या रहा है, आने का टाइम पूछ रहा है, तो आने का टाइम पूछ रहा है तो हम जाने का जो लास्ट वाला टाइम होगा वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बजकर रेसो 60/13 × टाइम। तो देखो आने का समय पूछ रहा है, तो आने का समय मतलब देखो आ रहा है तो 2 से 3 के बीच में आएगा, तो ये तो पता है हमें फिक्स। आगे वाला टाइम तो हमने ले लिया 2, उसके बाद 60/13 हमने फॉर्मूले से लिख लिया। उसके बाद जो समय था जाने वाले का जो लास्ट टाइम, या फिर आने वाले के डायरेक्ट क्रॉस में जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो टाइम, ठीक है, वो टाइम हम यहाँ से ले लेंगे। तो वो टाइम हम यहाँ से ले लेंगे, तो देखो हमने मल्टीप्लाई किया 60 को 12 से, ठीक है। तो 60 को 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आंसर निकल के आएगा 720 में हम क्या कर देंगे, 13 का डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 55 से 5/13, मतलब 2:55 से 5/13 के बीच में वो क्या होगा, आया होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज़।